अज मेला वेखण आई हां कुड़ियां लाहौर दियां तुसी लाहौरी ही हो ना जी। वो प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक थोम इमरान खान साहब दा घर और खुद इमरान खान नु देखण आई हां अज कुड़ियां लाहौर दियां साथ हलवे की देग है उसके साथ हलीम की देग है। एवरीवन शुड वेक अप एंड गेट एंड प्रोटेस्ट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। ये चीज जो होती है ना किसी का किसी को खाने को पूछना किसी को पिलाने के लिए पूछना ये बड़ी खुशाइन बात होती है। रोजों के अंदर इस वक्त लोग तरावियां पढ़ के वो खा बच्चा हो खा बड़ा हो जवान हो खवातीन हो बच्चियां हो माए बुजुर्ग जितने भी हैं यहाँ पे सब पहुंचे हुए हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। तो हम इन यहाँ से कुछ खवातीन आई हैं वो इब्रारुल्ला का एक गाना है बड़ी माजरत के साथ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लीडरां दे इसलिए नहीं कि असी रोटी दे भुखे हाँ नहीं इसलिए कि किसी गरीब का ख्याल रखना खासकर रोजे और सहरी का एहतमाम करना। रात के इस पहर में लोगों का जज्बा जुनून इस वक्त पूरे लाहौर की गलियां वो सुनसान है वो खा बच्चा हो खा बड़ा हो जवान हो खवातीन हो बच्चियाँ हो माए बुजुर्ग जितने भी हैं यहाँ पे सब पहुँचे हुए हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। तो हम इन यहाँ से कुछ खवातीन आई हैं जब रब नाराज होंगे ना जब रब नाराज होंगे ना वो गाला कटदा ना कि सुन मारदा ना वो लत मारदा जो मारदा बंदे दी मत मारदा ते जिहदी मत वज्जी होवे ना जिहदी मत वज्जी होवे जिहदी मत वज्जी होवे ना ओहदा मूंह राणा सनावला वरगा होंदा। लेकिन इमरान खान की जो गली है वो रौनक से आबाद है। आज मेला वेखण आई हां कुड़ियां लाहौर दियां तुसी लाहौरी ही हो ना जी। हां जी लाहौर से ए मेला देखण नहीं आए ए खान साहब दे इश्क विच इमरान खान साहब दा घर और खुद इमरान खान नु देखण आई हां आज कुड़ियां लाहौर दियां। अच्छा आप क्या समझती हैं इमरान खान साहब के हक में कल फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह होगा। क्या कहती हैं अगर उसी फैसले के खिलाफ इख्तलाफ आ जाए? हो ही नहीं सकता ना इनके मुताबिक है ही नहीं है फैसला खान साहब के हक में ही आएगा इंशाल्लाह 100%। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने साथ और भी पाकिस्तानी बच्चियों को बहनों को अपने फ्रेंड्स को खान साहब के बारे में कि इतने सालों बाद हमें एक लीडर ऐसा मिला है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए उसके लिए निकलना चाहिए आवाज़ उठानी चाहिए हमें। आप क्या कहेंगी गुड़िया? सेम एज शी सेड लाइक एवरीवन शुड वेक अप एंड गेट एंड प्रोटेस्ट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन दैट्स ऑल। जी नाज़रीन ख़वातीन का कहना है निकले अब वक्त आ गया है पाकिस्तान की तारीख बदलने का। इट खड़क बचे तत्ता होवे चुल्ला आन फकीर ते खा खा जावण राजी होवे बुल्ला एथे राजी नहीं एथे राजी होवे इमरान खान। तो जी नाज़रीन यहाँ पे इमरान खान के चाहने वालों ने और इसके साथ साथ जो है चौधरी परवेज़ लाई साहब ने यहाँ पे जो है इंतज़ाम किया है खाने का और लंगर का हर खासो आम के लिए। मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई है कि एक सियासी दंगल के अंदर जहाँ पे लोगों को सिर्फ सिवाय वोटों के कहने कहलाने के कुछ नहीं सूझता लेकिन यहाँ पे माहौल ही अलग है यहाँ पे चीज़ ही अलग है वो ये कि माशाल्लाह लंगर की तैयारी हो रही है पेड़े बन रहे हैं मैदे के पेड़े हैं साथ वो गंदम का पेड़ा बन रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे अभी चूल्हे को आग लगाई जाएगी और इसको गर्म किया जाएगा अंडे पड़े हुए हैं वो प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक थोम ये माशाल्लाह ये सारा इन्होंने यहाँ पे काट के रखा हुआ है साथ हलवे की देग है उसके साथ हलीम की देग है ये अंडों की जो है ये पड़ी हुई है यहाँ पे एक पूरे सजा के रखे हुए हैं बल्कि ये सजाने के लिए तो नहीं है बांटने के लिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है लेकिन अल्लाह ताला जिन्हों इज्जत देवे वो एक किसे दी जीरिए ना जिद रब राजी हो जाए। तो माशाल्लाह इमरान खान के यहाँ पे लोग रात का ये पहर है 11 बज गए हैं लेकिन ताँता बाँता बंधा हुआ है कोई लीडरान का कोई उनके चाहने वालों का और ये बड़ी खुशी की बात है अल्लाह ताला जिसको इज्जत से नवाज़ है। और माशाल्लाह ये चीज़ जो होती है ना किसी का किसी को खाने को पूछना किसी को पिलाने के लिए पूछना ये बड़ी खुशाइन बात होती है। रोज़ों के अंदर इस वक्त लोग तरावियां पढ़ के जो यहाँ पे रहने वाले हैं ये ज़रूरी नहीं है ये लंगर यहाँ के रहने वालों के लिए है ये लंगर यहाँ से साथ वाले हमसाये से भी अगर कोई आ जाए पुलिस अहलकार जो यहाँ पे मौजूद है ड्यूटी दे रहे हैं
वो भी यहाँ से लंगर खाते हैं और ये एक निराला माहौल देखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लीडरां दे, इसलिए नहीं कि असी रोटी दे भुखे हैं, नहीं, इसलिए कि किसी गरीब का ख्याल रखना, खासकर रोजे और सहरी का एहतमाम करना, ये सवाब के जिम्मे में आता है, ना कि सियासत के जिम्मे में आता है। हूँ तो साढ़े अपने ने अफसोस तो ज़्यादा और शर्म आनी चाहिए इन्हों कि ये लोग पीपल पार्टी जिन्होंने आयन बनाया अज वो आयन तो भज रहे हैं, इलेक्शन तो भज रहे हैं। ये हमेशा इलेक्शन उत्ते एक दूसरे की तकरीर एक दूसरे की तकरीर कसते होंगे सन, एक दूसरे चोर डकेत कहते होंगे सन, अज एक दूसरे के नाड़े फड़े हुए हैं, शलवारा फड़िया कि डिगना जान नंगे तो है ने सारे। गल यह है मैं इमरान खान की तमाम तरह जो एक साल होन लगा अप्रैल 9 अप्रैल के वाकया अज 30 मार्च हो गई है, 9-10 दिन रह गए, एक साल पूरा हो जाएगा। इस एक साल की जदोजहद मैं सलाम पेश करता, मैं इमरान खान नहीं, मैं शौकत खानम नू, मुहतरमा शौकत खानम नू सलाम पेश करना कि उन्होंने ऐसे ऐसे पाकिस्तान विच कि ऐसे लीडर नू जनिया कि जिन्होंने पाकिस्तान की सारी कौम नू इकट्ठा करता। अज इत्थे ना पश्तो स्पीकिंग, ना उर्दू स्पीकिंग, ना पंजाबी, ना सराइकी, ना सिख, ना हिंदू, ना मसीही, ना मुसलमान, ना ना इत्थे वहाबी, ना सुन्नी, ना शिया, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान, सारे नू इकट्ठा करता है। मैं सलाम पेश करता ऐसी माँ नू कि जिन्हें मैं समझदा कि इमरान खान कायदे आजम तो बाद दूसरे लीडर ने, बड़े सदर बन गए, बड़े लोग वजीर आजम बन गए, बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, बड़े चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन मुल्क का लीडर कोई नहीं बनया। इस गल तो ना मैनू बाबा जी नानक सरकार का रहमतुल्लाह अलैह दा एक शेर याद आ गया है, जिहड़ी तुसीं खान साहब दे हवाले नाल गल कीती है कि खान साहब ने सब नूं इक कर दिता। बाबा जी नानक सरकार फरमांदे ने, हिंदू आखिया ते मारिया जा, मैं मुसलमान भी ना, मैं पुतला पंचतन पाक दा ते नानक मेरा ना। ते ओ शायर उन्हां दी मुहब्बत च किसी ने लिखिया, बाबा जी दी मुहब्बत च किसी ने लिखिया। मैं एक गल दसदा, ये जिहड़े इमरान खान नूं गिरफ्तार करन वास्ते या जो भी कोशिशां कीतियां ने, मैं हूँ तुम कह लिया भगत कबीर साहब का, गुरु नानक देव जी का नहीं है, उन्होंने मुहब्बत किसान ने लिखा। मैं गुरु ग्रंथ साहब की एक आयत, एक शब्द, श्लोक जड़ा है वह दसदा। गुरु ग्रंथ साहब च लिखा, जिसका साहिब डाडा होवे तिसनू मार ना सकै कोई। ठीक है, तो मेरे रब तो डाडा कोई है इस दुनिया से है कोई? तो जिसका साहिब डाडा है उन्हें कौन मार सकता है? की नहीं किया इस PDM ने, इस इंपोर्टेंट हुकूमत ने, उन्होंने हैंडलर्स ने की नहीं किया? लेकिन मेरा रब बचाने वाला है, मेरा रब बचाने वाला। पंजाब पुलिस भी तकरीबन पंजाब पुलिस से अपने अहलकार जिहड़े इस टाइम पोजिशन होल्डर ने वह भी यह कह रहे हैं कि इमरान खान के नाल कोई रब की मदद हैगी। देखो जिमें तुम बयानात सारे वेखे ने, अजमा बुखारी का बयान वेखे, उन्हें क्या जी कि अगर रियासत किसी के खिलाफ तो उसे कोई नहीं बचा सकता, वो बीबी उन्हें रब बचा सकता है। फिर तुम मरियम नवाज का बयान सुनिया कि जी धमाके से भी तो गाड़ी उड़ सकती है, वो बीबी ये तेरे वर्गे तेरे प्यो वर्गा बगैरत नहीं हैगा जिहड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर प्लेट लट कटा के नस जाए। ठीक है, और राणा सुनाउला ने कहा कि हम अपनी बचाने, या वो होगा या हम होंगे। ठीक है, गल सुनो, उन्होंने रब बचा वाला है। तो तैनू ये राणा सुनाउला वास्ते जिहो जिहो हरकतें कर रहा वो वास्ते मैं अपना एक तुम दसदा कि जो इंसान नाराज होंदा है ना, वह गालां भी कर दिंदा है, घसुन भी मार दिंदा है, लत भी मार दिंदा है। जो रब नाराज होंदा ना, जो रब नाराज होंदा ना, वह गालां कढ़दा, ना घसुन मारदा, ना वह लत मारदा। जो मारदा बंदे की मत मारदा, तो जिहदी मत वज्जी होवे ना, जिहदी मत वज्जी होवे, जिहदी मत वज्जी होवे ना, वह मूह राणा सुनाउला वर्गा होंदा।